समस्त महिला भागवत कथा आयोजन समिति के तत्वाधान में रामनगर प्रगति क्लब के पास श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय भक्तिमय आयोजन के दूसरे दिन आचार्य श्री राष्ट्रीय संत श्रद्धेय राजीव नयन जी महाराज और संजीव नयन जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का श्रवण करा रहे हैं, जहाँ श्रद्धालुओं में भक्ति भावना से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जा रहा है। रामनगर स्थित प्रगति क्लब के पास भक्तिमय कार्यक्रम 7 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है। भव्यता के साथ भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन समस्त महिला भागवत आयोजन समिति के तत्वावधान में किया जा रहा है। बता दें, आयोजन के पहले दिन जहां पर कलश यात्रा निकाली गई, वहीं दूसरे दिन कथा के प्रारंभ होते ही आचार्य ने अपने श्रीमुख से कथा का श्रवण श्रद्धालुओं को कराया। सिर्फ बहुत अच्छे हैं और इतना प्यार करते हैं श्री श्री कि मुझसे वो कुछ भी नहीं छुपाते, सब कुछ बोला बता देते हैं। गणेश के पापा कुछ नहीं छुपाते, सबका नाम। एक प्रश्न आप मुझे उत्तर दीजिए। हाँ यस, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई। आज भागवत कथा में भागवत के महात्म्य की चर्चा हुई कि पापी से पापी यदि व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो निश्चित रूप से भागवत कथा उसे मोक्ष प्रदान करती है, और संसार के जितने भी लोग हैं जो भोग की इच्छा रखते हैं सांसारिक पदार्थों की, उनको भी भागवत कथा प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है, समस्ताओं की इच्छाओं को पूर्त करने वाली भागवत कथा है। इस सारी चर्चा यहाँ पर हुई है। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आएँ, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है। निश्चित रूप से आपको आत्मबोध होगा और कुछ ना कुछ जीवन में सीखने को मिलेगा जो हमें जीवन में उन्नति के शिखर की तरफ ले जाएगा। बहरहाल श्रद्धालुओं ने यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।